स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्ट में। दोस्तों ये सेशन जो है मैथमेटिक्स का है, तो इसमें हम लोग जो है 10th क्लास की पढ़ रहे थे 8.2। तो इसका आज जो है पहला क्वेश्चन है। उसके पहले यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इसका मान दिया है साइन 60 दिया हुआ है। साइन 60 का मान होता है रूट थ्री बाई टू, और ये कोस 30 का मान भी आपका होता है √3/2 प्लस साइन 30 दिया हुआ है। साइन 30 का मान एक होता है और इंटू आपका साइन 30 का मान 1/2 और इंटू कोस 60 का मान भी आपका 1/2 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी जब गुणा होएगी तब आपका 3 हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा आपकी 4 हो जाएगा। ये आपका 1/4 निकल के आएगा, ठीक है। अब ये 3 को 1 में अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और आपका LCM बराबर है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, जब हम एक से एक को कैंसिल करेंगे 1 निकल के आपका आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो रहा पहला क्वेश्चन। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप लोग अपने आप लगा लेना है, जो क्वेश्चन ना लगे उसको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपका दिया हुआ है सही विकल्प को चुने। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सही विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 into tan 30 का मान आपका जो tan 30 में होता है वो होता है 1/√3 होता है। अब इसको मैंने बताया कि भाग का निशान हम लगा लेंगे तब तुम्हारा जो है इजी लगता है थोड़ा, ठीक, नहीं तो बटे के नीचे बटन चलाएगा आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक। तो 1 plus tan 30 का मान आपका 1/√3, लेकिन यहाँ पे जो है स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम जो है एक ब्रैकेट लगाने के बाद स्क्वायर लगा लेंगे और यहाँ पर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे ये वाला, ठीक। तो इसका मान आपका हो जाएगा 2/√3 जब इसकी गुणा होएगी, ठीक। और ये भाग तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 1 plus 1/3 यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 जो है स्क्वायर जब लगाया करणी के बाहर जो होगा वो 3 निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। 2/√3 भाग ये आपका क्या हो जाएगा 3 plus 1/3, ठीक। तो ये आपका √3, इसको हम चेंज करते हैं गुणे के निशान में, तो 3 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये 3 और 1 4 कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये आपका निकल के आया। इसको सोल्व कर लेते थोड़ा, तो ये आपका 2 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 3 2√3, ये मान निकल के आया। इसको क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे हम परिमेयकरण कर देंगे √3 से, ठीक। तो ये आपका 3√3 और अपान में ये आपका 3 और 3, रूढ़ के अंदर 3 3 है, ये 2 बार लिखा है तो उसको मैं 1 बार या कह लें कि 1 हो जाए तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा √3/2। अब ध्यान दीजिएगा इस वाले में, इसमें कितने का मान √3/2 होता है। तो पहला क्या दिया हुआ है साइन 60, जी हाँ, तो ये साइन 60 के जो है इक्वल हो जाएगा, साइन 60 के इक्वल आपका ये हो जाएगा, ठीक। कोस जो 60 का मान है वो आपका कितना होता है 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भी गलत। और टेन 60 का मान आपका होता है √3/2, ठीक, ये आपका √3, ठीक। तो ये आपका मान निकल के आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का पहला जो आंसर है विकल्प जो कहेंगे वो सही रहेगा, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है, तो ये अगला है आपका सही विकल्प का दूसरा है 10 1 minus tan square 45 और अपॉन में है 1 plus tan square 45, ये आपका दिया हुआ है। तो मान रख लेंगे डायरेक्ट 1 minus tan 45 का मान होता है 1 और ये स्क्वायर लगाए तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे 1 plus tan square 45, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है और 1 plus 1, तो ये आएगा 0/2। कल मैंने बताया था यदि किसी भी 0, चाहे जितना बड़ा 0 हो चाहे छोटा 0 हो, ठीक है, उसके नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 ही आएगा, और यदि इस प्रकार से कोई संख्या है तो उसका जो मान होगा वो अपरिभाषित या इसे अनंत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही रहेगा, डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका अगला है, थर्ड है आपका sin 2a = 2 sin a is true when a = what। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में से आपको बताना है कि a का मान यहाँ पे आपको जो है बताना है, क्वेश्चन मार्क आपका क्या है a का मान। तो
तो ए का मान क्या निकल के आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले, तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस ए, ये एक फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को याद करना है ठीक। तो आगे ये फार्मूला काम आएंगे तब मैं पूरे जितने भी फार्मूले वहाँ पे होंगे उतने सब बताऊँगा, इसमें ये सिर्फ अभी तब तक याद कर लो। तो साइन 2a का 2 साइन a इंटू कोस ए बराबर 2 साइन ए, ये दिया हुआ है ठीक। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके अलावा क्या होगा कि ये साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कॉस ए, अब कॉस में कितने का मान जो है 1 के बराबर होता है, तो वो जो मान होता है कोस 0 डिग्री के बराबर होता है, कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना मान निकल के आएगा 0 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो जो है बिल्कुल ही सही रहेगा ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से है। टेन ए प्लस बी बराबर दिया है रूट थ्री, टेन ए प्लस बी कितना दिया है रूट थ्री दिया हुआ है, और टेन ए माइनस बी इक्वल टू दिया है आपका वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है क्या जीरो जो है वो जो ए प्लस बी है वो जीरो से कैसा है बड़ा है, जो ए प्लस बी का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा और 90 से कैसा होगा छोटा होगा, 90 से छोटा होगा या फिर बराबर भी होगा, छोटा भी हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और a का मान जो है वो b से बड़ा है ये दिया है। तो कह रहा है a व b के मान ज्ञात कीजिए, a व b के मान आपको, तो देखिएगा आप इसको सबसे पहले यहाँ से चलते हैं हमें, आपका दिया हुआ है टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, तो ये आपका टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन कितने में जो है सिक्स जो है रूट थ्री मान होता है, तो टेन 60 का मान जो होता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम समीकरण नंबर एक बना देंगे। इसी प्रकार हम इधर चल जाएंगे तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपान रूट थ्री दिया हुआ है, वन अपान रूट थ्री दिया हुआ है, इसको करेंगे तो आपका टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री किसका मान होता है टेन 30 का, टेन 30 का, तो यहाँ पे टेन 30 का दोस्तों आप लोगों को मान जो है वो याद करने पड़ेंगे ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई दो, ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हो गया आपका, और ये a माइनस बी इक्वल टू 30 जोड़ने पे ये आपका घट जाएगा और यहाँ पे आएगा 2a अपॉन 90, 2a अपॉन 90 ठीक। अब इसको आप ये अब a बराबर निकालेंगे तो 90 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो ये 45 निकल के आएगा, जो a का मान निकल के आएगा वो 45 डिग्री निकल के आएगा। अब a का मान जो है ए का मान आप समीकरण नंबर एक या दो किसी में रख सकते हो, तो हम ए का मान समीकरण नंबर एक में रख ले रहे हैं, समीकरण नंबर एक में। तो अगर यहाँ पे ये एक समीकरण नंबर है, फिर से एक बार इधर नोट करते हैं इसको, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी बराबर आपका 60 माइनस 45 ठीक, तो यहाँ पे निकल के आएगा 15 डिग्री। तो हमारा जो a का मान यहाँ पे जो है, जो a और b का मान पूछ रहा है, तो a का मान हमारा निकल के आया 45 और जो हमारा b का मान निकल के आया वो 15 निकल के आया, 15 डिग्री ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये ट्रू एंड फॉल्स आपके दिए हुए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, आपके पाँच क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे से चालू करते हैं क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ सकता है। a इक्वल टू दिया है 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, a इक्वल टू 0 पर, तो देख लीजिएगा कॉट a बराबर फार्मूला क्या होता है cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a, तो cos 0 का मान आपका कितना होता है 1 होता है और साइन 0 का मान आपका
जीरो होता है। अगर यहाँ पे हम रखें जो एक बराबर जीरो दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया है, जीरो दिया है, तो यदि हम यहाँ पे हर एक जहाँ पे जीरो जीरो ले लेंगे तो एक कोस जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो कोस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, और साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो यदि हमारा एक बटे जीरो होता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कैसा होता है, अपरिभाषित। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है, तो इसका मतलब ये आपका सत्य हुआ। ये कैसा है, सत्य हुआ। यहाँ पे देखिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ऐसा तो नहीं है। केवल जो है थीटा इक्वल टू 45 के लिए, थीटा इक्वल टू 45 के लिए जो है वो जो है साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं, ना कि सभी मानों के लिए। तो ये आपका कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, थीटा में वृद्धि करने पर, थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप अपनी टेबल में जाइएगा, अगर जीरो से 90 की ओर बढ़ोगे, मतलब मान बढ़ाओगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। यदि आप थीटा में वृद्धि करोगे तो थीटा के मान में कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी दोस्तों। तो ये भी आपका कैसा रहा, फॉल्स रहा। और 90 से जब 180 में जाओगे, 90 से 180 की तरफ जाओगे, तब वृद्धि होगी दोस्तों, तब क्या होगा, वृद्धि होगा। अब इसमें देख लीजिएगा, थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही आपका है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ पे यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। जीरो से 180 तक अगर बढ़ेगा तब आपकी क्या होगी, कमी होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये आपका सही नहीं है। अगर आप जो है ए बराबर 60 ले लीजिएगा और बी बराबर आपका जो है कुछ भी ले लीजिएगा, 30 ले लीजिएगा, कोई भी यहाँ पे मान लीजिएगा, जैसे आपका 0, 45, 60 और 90 में से ये हम मान ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिखाया निकालने, तो यही मान लेंगे। तो हम ये दो ले लिए, तो अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे साइन 60 और प्लस ये बीच में 30 भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ए बराबर 60 लिया है और बी बराबर 30 लिया है, तो ये आपका साइन 90 हो जाएगा। साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, साइन 90 का मान एक होता है। लेकिन अब इधर भी हम अगर एक ला देते हैं तब तो सही है, तो ये साइन 60 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 30, तो ये आपका रूट 3/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपका बराबर नहीं आ रहा है, ये आपका 2 निकल गया है। तो इस प्रकार से ये आपका कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो पहला आपका फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स और फिर ट्रू, ये आपके निकल गए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन का मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, अब यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मान निकालना है, 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° ये मान निकालना है। तो देख लीजिएगा, 2 tan² 45 मतलब 45 का मान जो होता है आपका, tan 45 का मान एक होता है, तो हमने एक का स्क्वायर कर लिया, प्लस cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर यहाँ पे है तो हमने स्क्वायर कर लिया। इसी प्रकार से sin 60 का मान होता है आपका √3/2, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये देखिएगा, ये आपका सेम सेम दिया हुआ है, तो इसको हम यहीं से घटा सकते हैं, तो इन दोनों पदों का मान जो है वो जीरो मारा जाएगा। आगे हल भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम जीरो कर सकते हैं, और ये आपका 2 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आएगा 2। यदि आप चाहो तो इसको आगे सोल्व करके भी जीरो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि ये वाला पद और ये वाला पद हमारा समान है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस और माइनस करके आपके कैंसिल हो जाते हैं, आप लोग जानते हैं, तो हमारा बचा केवल ये वाला पद। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन, आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।